2018 मई में मैंने इनकी फोटो अपनी मम्मी के फोन में देखी थी। वो फोटो मुझे पसंद आई, लव एट फर्स्ट साइड आप बोलो या फिर लक बोलो, किस्मत में लिखा हुआ था। तो मैंने मम्मी को बोला था कि इनसे रिश्ता लगाने के लिए, मेरी मम्मी ने इनकी मम्मी से बात की थी रिश्ते की। और हम लोग का रिश्ता 2020 में हुआ था, जब हम लोग फर्स्ट टाइम थाईलैंड में मिले थे दोनों फैमिली। और फिर जाके अब 2023 में हम लोग की शादी होने जा रही है। उस टाइम कुछ सोचा नहीं था मैंने कि इंडिया पाकिस्तान का रिलेशन क्या है कैसा नहीं है। मैं बस आई थिंक इट वॉज मोर टूवर्ड्स कि स्टेप बाई स्टेप लेना पसंद आ गई थी। मैं क्या करता। साल से हम लोग साथ हैं और बस पेशेंट रहे हैं पूरे 5 साल, एक दूसरे के लिए वेट किया है। जो भी इश्यूज थे पता तो था उन सबका कि ये फेस कर सकते हैं हम लोग, तो उसके लिए भी मेंटली प्रिपेयर्ड थे कि ये सब होगा तो फेस करेंगे, कोई मसला नहीं है। जी मेरे असल में इन लॉज इतने लविंग हैं, इतने लविंग हैं कि एक दिन हुआ है मुझे यहाँ पे आए हुए, मुझे एक दफा भी एक मिनट भी ये फील नहीं हो रहा है कि मैं अपने ससुराल में हूँ। तो दूसरा ये कि मेरे घर वालों ने भी यही वजह थी कि यहाँ पे रिश्ता किया, क्योंकि इतनी अच्छी फैमिली है, जो मेरे होने वाले हस्बैंड हैं वो बहुत अच्छे हैं, तो यही वजह थी मेन। बाकी जहाँ तक बात है इंडिया आने की, तो उसके लिए वो भी हमें पता ही था कि आने जाने में कुछ इश्यूज हो सकते हैं, तो उसके लिए दोनों उस टाइम पे तो खैर दोनों ही फैमिलीज बहुत सपोर्टिव रही हैं हमारे इस पूरे जर्नी में। बॉर्डर से जो मेरी एंट्री हुई है उसके बाद से जो मुझे प्यार मिल रहा है, जो इवन लोग नहीं जानते मुझे वो भी मुझे इतना प्यार शो कर रहे हैं कि मैं बता नहीं सकती, बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत बहुत अच्छा, बस घर वालों को मिस कर रही हूँ मैं, वो लोग होते तो और अच्छा लगता। उस चीज़ को लेके भी हम लोग गवर्नमेंट से हेल्प मांग रहे हैं कि वो लोग भी आ जाएं हमारी शादी में, तो बहुत अच्छा रहेगा साथ में।